हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपको कुंदरू की रेसिपी बताने वाली हूँ। कुंदरू की रेसिपी जो कि बहुत ही स्वादिष्ट आप सभी को लगेगी, बहुत ही आप सभी को पसंद आएगा। आपने कुंदरू की सब्जी बहुत तरीके से बनाई होंगी, खाई होंगी, लेकिन आइए हम बताते हैं अपने तरीके से कि हम इसको कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कुंदरू को अच्छे से दो तीन बार पानी से धुल लेंगे। तो ये देखिए, हमने इसको अच्छे से रगड़ के बढ़िया सा धुल लिया है। इसी तरह से आप खूब अच्छे से इसको धुल लीजिए ताकि इसमें जो गंदगी लगी हुई हो सारी अच्छे से साफ़ हो जाए। और ये सब्ज़ी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और ये थोड़ी सी खट्टी खट्टी खाने में बहुत मज़ा आता है। कुंदरू की सब्ज़ी हमें ज़रूर खानी चाहिए। कुंदरू की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी होती है और बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। और ये देखिए, इस तरह से हम इसको कट करेंगे। ये थोड़ी सी लाल हो गई है, लाल वाली और अच्छी लगती है, खट्टी खट्टी सी। तो मार्केट में अगर कुंदरू आपको फ्रेश मिले तो आप ज़रूर ले आएँ और बच्चों को बनाकर ज़रूर खिलाएँ, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। और मेरा, आप लोग जानते हैं कि तरीका कैसा होता है, मैं बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताऊंगी। कोई झंझट नहीं और कोई बनाने में परेशानी नहीं, फटाफट बन जाएगा और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। कोई मसाला नहीं, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं। तो देखिए, इस तरह से हम कट कर लेते हैं। आप चाहें तो गोल गोल भी कट कर सकते हैं, लेकिन गोल साइज़ में अगर हम कट करेंगे ना, देखिए इस तरह से अगर हम गोल गोल कट करेंगे तो ये अच्छे से लाल नहीं होगा। पक तो जाएगा पर ये दोनों साइड अच्छे से लाल नहीं हो पाता है। और जो हम लंबे लंबे साइज़ में कट करते हैं ना, तो बहुत अच्छे से ये लाल लाल सा हो जाता है। मुझे हल्का सा लाल पसंद होता है, पर मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा लाल पसंद होता है। उसे ये सब्ज़ी बहुत पसंद है। मेरे हस्बैंड पहले ये सब्ज़ी नहीं खाते थे, लेकिन इस तरह से मैं बनाने लगी तो वो ये सब्ज़ी खा लेते हैं, उन्हें भी अच्छा लगता है। तो देखिए, इस तरह से हम, चलिए सारे कुंदरू कट कर लेते हैं। मैं तो इसको कुंदरू ही जानती हूँ, इसका नाम कुंदरू ही जानती हूँ। यदि आप लोग इसको और किसी नाम से जानते हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, मुझे भी पता चल जाएगा कि इसको और क्या क्या कहते हैं। तो देखिए, हमने सारे कुंदरू जो है कट कर लिए हैं। ये देखिए, कुछ पके हुए हैं, कुछ कच्चे हैं, और ये मिक्स वाले सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होते हैं। मेरे घर में कुंदरू सभी को बहुत पसंद है और ख़ासकर ये दाल चावल से बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो जब भी सीज़न में कुंदरू मिलता है, मैं तो खूब बना बना के खाती हूँ और सबको खिलाती हूँ। तो देखिए, अब इधर हम रख देंगे कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल। इसमें थोड़ा सा तेल हम ज़्यादा ऐड करेंगे ताकि हमारा कुंदरू अच्छे से लाल हो पाए, और जो तेल बचेगा ना वो वेस्ट नहीं जाएगा, उसको और आप किसी सब्ज़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो में आप सभी को बताया था कि बाकी बचे हुए तेल को हम कैसे निकालेंगे और बचे हुए तेल को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो मेरी वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर मैंने डाल रखा है। तो चलिए, इसमें हम थोड़े से बारीक कटे हुए लहसुन और इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे। लहसुन बहुत अच्छा लगता है इसमें, बिल्कुल कुरकुरा सा, बहुत मज़ा आता है खाने में, सुंदर सुंदर सा। यदि आप लहसुन नहीं पसंद करते हो तो स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें टेस्ट में कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं आएगा। ये देखिए, हमारा गोल्डन हो गया लहसुन और मिर्चा। अब हम सब्ज़ी सारी इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए, धीरे धीरे से हम इसको इस तरह से सब्ज़ियाँ डालते जाएंगे। अब इन सभी को अच्छे से हम एक बार मिक्स कर लेंगे। यकीन मानिए फ्रेंड्स, एक बार मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, आप सभी को बहुत पसंद आएगा और आप लोग बार बार इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे। आपके घर वाले हमेशा इसी तरह से खाना पसंद करेंगे। और आपको एक बात और कहना चाहती हूँ, यदि मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी नोटिफिकेशन आप सभी को बराबर मिलती रहेगी जो जो वीडियो मैं अपलोड करती हूँ, और आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा।
अपना प्यार इसी तरह से देते रहिएगा। तो देखिए हमने ढक के इसको पकाया है थोड़ी देर, और अब इसको हम खोल के ही पकाएंगे, अब हम इसको ढकेंगे नहीं, क्योंकि कुंदरू हमारा आधा पक गया है। अब बस इसको हमें लाल करना है, और लाल करते करते ये खुद ही अपने आप पक जाएगा अच्छे से। तो देखिए अब इसमें हम डालेंगे नमक। नमक हमें पहले ही ऐड नहीं करना है, नमक हमें थोड़ी देर बाद ऐड करना है, ताकि हमारा कुंदरू बिल्कुल अच्छे से हो जाए और ये चिपके नहीं। नमक पहले ही डाल देंगे तो कुंदरू हमारा चिपकने लगेगा। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच छोटी काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च पाउडर इसमें बहुत ही मज़ा आता है खाने, बहुत ही टेस्टी होता है। काली मिर्च पाउडर का इस्तेमाल इसमें हम ज़रूर करें, इसको डालने से बहुत ही स्वाद इसका बढ़ जाता है। और आपको बता दें, और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, आप चाहे तो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। और अब इसमें कुछ भी आपको ऐड नहीं करना है, बिल्कुल इसी तरह से सिंपल तरीके से बनाना है। और बना के एक बार ट्राई करिए, आपको ना मज़ा आए तो कहिएगा। देखिए कितना बढ़िया स्वादिष्ट सब्जी ये बनके तैयार है। बस इसको थोड़ी देर और हम लाल करेंगे। ये देखिए मुझे ऐसे ही पसंद है, पर बेटे को और लाल पसंद है, इसलिए थोड़ा सा इसको हम और लाल करेंगे। तो चलिए इसको होने देते हैं थोड़ी देर। और देखिए इसका कलर, इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, आप सभी को बता नहीं सकती, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। फटाफट बने और इसको मैं दाल चावल से खाऊं। दाल चावल मैंने बना लिया है और सब्जी हमारी तैयार हो रही है। ये देखिए कितनी बढ़िया सब्जी बनके तैयार हो रही है। ये देखिए तो फटाफट कमेंट्स करें किसके किसके मुंह में पानी आ रहा है कुंदरू की सब्जी देखकर। तो लीजिए कुंदरू की सब्जी बढ़िया सी बनके तैयार है। हमने गैस को कर दिया ऑफ। ये देखिए थोड़ा थोड़ा ये और लाल हो गया है। आपको जैसा पसंद हो उस तरीके से आप कुंदरू की सब्जी को लाल कर सकते हैं या कम लाल कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो वैसे ही बनाइए, खाइए और स्वस्थ और मस्त रहिए। और मेरी वीडियो को इसी तरह अपना प्यार देते रहिए। तो ये लीजिए बन गया बढ़िया सी कुंदरू की सब्जी। अब मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, एक नई रेसिपी आप सभी को बताऊंगी। तब तक के लिए आप इसको एंजॉय करिए, खाइए स्वस्थ और मस्त रहिए। तो चलिए हम निकाल लेते हैं अपनी थाली। तो ये देखिए हमने निकाल लिया दाल चावल। ये है दाल अरहर की, अरहर की दाल और चावल और कुंदरू।